नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक चर्चा की थी, और ये चर्चा थी मशीनी यानी कि कंप्यूटर अनुवाद पर। और आज भी हम इसी विषय पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे जहां पर हमने छोड़ा था, यानी कि हम इस चर्चा को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप तक वो तमाम बातें पहुँचें जिन्हें हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरीश कुमार सेठी। डॉक्टर सेठी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इग्नू के स्कूल ऑफ ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, इस विभाग में हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और ई अनुवाद और हिंदी इनकी पुस्तक है जिसके माध्यम से इन्होंने छात्र छात्राओं तक पहुंचने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ई अनुवाद किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं। तो मैं चाहूँगी एक बार फिर से मैं स्वागत करूँ हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर हरीश कुमार सेठी का, और इनसे आगे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार अनुवाद, जिसे हम कह सकते हैं कि मशीनी अनुवाद, आज मुमकिन हो पा रहा है। तो सेठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में। जी, पिछले व्याख्यान में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मशीनी अनुवाद क्या है, और इसके कुछ पक्षों पर भी बातचीत की थी। मैं थोड़ी सी जो है उसको दोहराना चाहता हूँ कि मशीनी अनुवाद जो है, मूल रूप से देखें तो स्रोत भाषिक पाठ के संप्रेष्य अर्थ के को कंप्यूटर प्रणाली के जरिए लक्ष्य भाषिक पाठ में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। यानी सोर्स लैंग्वेज में जो कुछ कहा गया है उसको टारगेट लैंग्वेज में लाना, और उसे लाने में कंप्यूटर की सहायता लेना जो है, ये मशीनी अनुवाद है। इसके कई घटक हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हम इसके घटकों के संदर्भ में देखें तो भाषा घटक, कंप्यूटर घटक और मानव घटक की चर्चा की जाती है, जिसमें भाषा सामग्री के रूप में कॉर्पस और व्याकरण के रूप में जो है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के व्याकरण, और उसके साथ साथ अंतरण व्याकरण की भी चर्चा की जाती है। और सोर्स लैंग्वेज कॉर्पस के रूप में और इसके साथ साथ लक्ष्य भाषा कॉर्पस, ये भी जरूरी है, और साथ ही जरूरी होता है डेटाबेस डिज़ाइन। जहाँ तक कंप्यूटर घटक की बात है, कंप्यूटर घटक जो है अनुवाद सिस्टम और सहायक उपकरणों के रूप में हमें मिलता है, और मानव घटक के रूप में हम देखें तो मनुष्य की भूमिका उसके प्रयोक्ता के रूप में है, विकासकर्ता के रूप में और सहायक के रूप में रहती है। कंप्यूटर अनुवाद प्रणालियों को विकसित करने के लिए कुछ एक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो नियम आधारित होते हैं, उदाहरण आधारित या सांख्यिकी आधारित। इसके साथ साथ एक और मिश्रित प्रणाली भी, मिश्रित दृष्टिकोण जिसे कह सकते हैं, वह भी विकसित हो चुकी है। और ये मिश्रित प्रणाली जो है, इसे हम हाइब्रिड अप्रोच कह सकते हैं। और अनुवाद प्रक्रिया के जिस तरह से तीन चरणों में मुख्य रूप से जो है अनुवाद संपन्न हो पाता है, जिसे हम विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन की संज्ञा देते हैं, अनुवाद विशेषज्ञ यूजीन ए नायडा ने इन्हीं तीन चरणों का उल्लेख किया है। उसी प्रकार से कंप्यूटर अनुवाद भी तीन चरणों के जरिए संपन्न हो पाता है, जिसे हम टर्मिनोलॉजी में, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कहें पद निरूपक यानी पार्सिंग, इसके साथ साथ जो है ट्रांसलेशन अनुवादित्र और जनित्र जनरेटर की बात की जाती है। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए मशीनी अनुवाद प्रणाली जो है संपन्न हो पाती है। और मशीनी अनुवाद की कुछ एक पद्धतियां विकसित हुई हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष अनुवाद पद्धति, अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति, अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर अनुवाद पूरी तरह से अनुवाद नहीं हो पाता है, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम जो है, अभी ऐसे जो सार्थक कहे जाएं वो विकसित नहीं हो पाए हैं। इसीलिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम ही ज़्यादा उपयोगी और सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन के अंतर्गत पूर्व संपादन, पश्च संपादन, और इसके साथ साथ जो है हम ये कह सकते हैं कि
ह्यूमन असिस्टेंस के जरिए या मशीन असिस्टेंस के जरिए कंप्यूटर अनुवाद संभव हो पाता है। ह्यूमन असिस्टेंस जो है वो रहेगी अनुवाद करने से पूर्व संपादन करना या अनुवाद करने के पश्चात संपादन करना, और इसके अलावा इंट्रा प्रोसेसिंग और इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग होती है। जबकि मशीन असिस्टेड ह्यूमन ट्रांसलेटर के ट्रांसलेशन के रूप में कंप्यूटर जो है सहायक की भूमिका निभाता है। जिस तरह से अनुवाद करते समय हमें विभिन्न प्रकार के कोशों आदि की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही मशीन जो है इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का जरिया बनती है और मानव जो है अनुवाद अच्छी तरह से कर पाता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की थी अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, जिसमें ये बताया जा चुका है कि सीधी सादी सूचनाओं, आंकड़ों के भाषांतरण, सरकारी प्रलेखों के अनुवाद, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सामग्री का अनुवाद और बाल साहित्य के अनुवाद की दृष्टि से कंप्यूटर प्रणालियां सार्थक सिद्ध होती हैं और लिप्यंतरण कार्य में भी ये सहायक सिद्ध होती हैं। किंतु कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मशीनी अनुवाद जो है उपयोगी या सार्थक सिद्ध नहीं हो पा रहा है। उसमें मुख्य रूप से जो चर्चा की जाती है वो विधि अनुवाद की जाती है। इसके अलावा सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद पर भी विचार किया जाता है और विज्ञापनों के अनुवाद। इसका मूल कारण ये है कि सृजनात्मक साहित्य और विज्ञापन मुख्य रूप से कहिएगा कि जो कमर्शियल विज्ञापन हैं, वाणिज्यिक विज्ञापन जो सीधे साधे सरकारी तंत्र में जिस तरह से विज्ञापन दिए जाते हैं या सूचना परक जो विज्ञापन होते हैं उनमें तो अनुवाद में दिक्कत नहीं आती, लेकिन जहां विज्ञापनों में सृजनात्मकता का पुट हो वहां पर मशीनी अनुवाद जो है सार्थक सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि सृजनात्मक साहित्य और विज्ञापन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कल्पना शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना अनुवाद जो है संभव नहीं हो पाता। और मशीनी अनुवाद मूल रूप से कहा जाए तो मशीन एक यंत्र मात्र है, वो मनुष्य की तरह नहीं है। इस वजह से अनुवाद करते समय वैसा सृजनात्मक अनुवाद नहीं कर पाती है जैसा कि मानव अनुवादक कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे अनुवादक जो हैं सृजनात्मक साहित्य की तरह ही सृजनात्मक साहित्य लेखक जिस तरह से होते हैं वैसे ही ये भी सृजनात्मक अनुवादक होते हैं। और ऐसे अनुवाद जब करते हैं तो बहुत गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत अच्छी तरह का जो है ट्रांसलेशन अवेलेबल हो पाता है। आज हम चर्चा करेंगे मशीनी अनुवाद की कुछ समस्याओं को लेकर। इसके साथ साथ जो है भारत में मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है उन पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कंप्यूटर अनुवाद की समस्याओं को। कंप्यूटर अनुवाद प्रणालियां विकसित करने में सबसे पहली जो समस्या आती है वो प्राकृतिक भाषा की द्विअर्थकता की होती है। प्राकृतिक भाषा की द्विअर्थकता का मतलब ये है कि हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है, जो हम भाषा बोलते हैं, वह एम्बिग्युटी वाली होती है। उसमें सिर्फ जो कहा जा रहा है वही अर्थ नहीं होता, उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। मनुष्य अपनी मेधा शक्ति के अनुसार उस अर्थ को ग्रहण कर लेता है, जबकि मशीन को ये कर पाना संभव नहीं होता है। मैं उदाहरण के रूप में जो है बात करना चाहूँगा हल शब्द को लेकर। यानी जैसे जब हल शब्द अगर गणित के संदर्भ में इस्तेमाल में आता है तो वो प्रश्न का उत्तर होता है या समस्या का समाधान करना जो है यही है। जबकि यही हल शब्द कृषि के क्षेत्र में हम देखें तो वहाँ पर ये बैलों आदि के जो कंधे पर लगाया जाता है हल, जिससे खेत जोता जाता है वो है। तो कंप्यूटर अनुवाद करते समय इस तरह की भी समस्या आती है। एक और अन्य शब्द लेते हैं हम ज्वाइंट। ज्वाइंट शब्द का जो है हम देखें तो उसके कुछ अलग अलग अर्थ मिलते हैं, जैसे संयुक्त, सह, संयोजित, संधि। मानव अनुवादक इनमें से जिस शब्द का चयन करता है वो संदर्भ को ध्यान में रखते हुए करता है, पर कंप्यूटर को इस तरह की जो है समस्या आती है क्योंकि वो अर्थ को पकड़ना उसे बहुत ज़रूरी है। पर
मुख्य बात यह भी है कि कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि अनुवाद नहीं कर सकता, सिर्फ यह कि इसमें और अधिक जो है विकास किया जाए और उसे और अधिक दिशा निर्देश दिए जाएं तो अच्छी तरह से अनुवाद संभव हो पाता है। इसके अलावा जो दूसरी समस्या ये रहती है वे है कंप्यूटर अनुवाद में सांसारिक ज्ञान का जो है अभाव होता है। कंप्यूटर को सांसारिक ज्ञान नहीं है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर अनुवाद प्रणाली को। मनुष्य अपने सांसारिक ज्ञान के आधार पर शब्दों का चयन करता है, वाक्यों की संरचना कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर तो मशीन मात्र है, उसे जिस तरह से समझाया जाएगा वो वैसा ही करेगा। मनुष्य अनुवाद करते समय ये देख सकता है कि गाय के जो है बछड़ा हो सकता है लेकिन बैल का नहीं, किंतु कंप्यूटर को अगर ये नहीं बताया जाएगा कि स्त्रीलिंग शब्द गाय ही से ही ये संभावना है, बैल के जरिए नहीं, तो कंप्यूटर अनुवाद नहीं करेगा। अन्यथा ये रहेगा कि कंप्यूटर बैल को भी बता सकता है कि वो बछड़ा का जन्म दिया। और हम देखें कैपिटल शब्द है, कैपिटल शब्द जो है पूंजी, राजधानी, मूलधन या बड़ा अक्षर, अंग्रेजी का जो बड़ा अक्षर है कैपिटल लेटर, इस संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो अनुवादक तो इस तरह के शब्दों का जब अनुभव करता है, जब उसे सोर्स टेक्स्ट में इस तरह की सामग्री में ऐसे शब्द आते हैं, तो वह अपनी अनुभव के आधार पर, अपने सांसारिक ज्ञान के आधार पर शब्द का चयन कर लेता है, परंतु कंप्यूटर के समक्ष जो है इस तरह की समस्या आती है। इसके साथ साथ ये भी दिक्कत रहती है कंप्यूटर प्रणाली को लेकर कि उसमें भाषावार प्रणालियां विकसित करने में अनुसंधान और विकास की कमी है। उन्हीं भाषावार प्रणालियों में विकास हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है जिनमें अनुवाद की संभावनाएं ज़्यादा हो, जिन क्षेत्रों में, जिन भाषाओं में अनुवाद की संभावनाएं, या व्यवहार में कहिएगा कि उसकी कमर्शियल जो है यूटिलिटी नहीं है, तो उस क्षेत्र में, उस भाषा पेयर में, यानी सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज पेयर में जो है अनुवाद करने की दिशा में अनुसंधान और विकास जो है वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। अगली समस्या के रूप में हम देखें तो कंप्यूटर को भाषा का संपूर्ण ज्ञान देने की भी समस्या रहती है। जैसे कि बातचीत अभी हमने की कि कंप्यूटर जो है भाषाई ज्ञान जो है उसे नहीं है, क्योंकि द्व्यार्थकता है हमारी भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, और इसके साथ साथ सांसारिक ज्ञान का भी कंप्यूटर को अभाव होता है। और मुख्य बात ये रहती है कि भाषा का संपूर्ण ज्ञान देना। अब इस संपूर्ण ज्ञान में जो हम ये कहेंगे कि भाषा का सिर्फ व्याकरण परक ज्ञान ही नहीं, उसके साथ साथ उसका अर्थ परक ज्ञान भी देना है, और प्रयुक्ति परक यानी डिस्कोर्स लेवल पर भी ज्ञान आवश्यक है, और इसके साथ साथ व्यवहार परक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। जब तक इन सभी डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर प्रणालियाँ जो हैं डेवलप ना की जाएँ तो कठिनाई सामने आती है। एक व्यवहारिक समस्या ये भी है कंप्यूटर अनुवाद को लेकर कि उच्च स्तरीय द्विभाषिक कोशों की जो है अनुपलब्धता है। हालांकि ये सभी भाषाओं में ये स्थिति नहीं है, पर मुख्य रूप से देखें तो कुछ एक ऐसी भाषाएं भी हैं जिनमें अभी और अधिक आवश्यकता है उच्च स्तरीय द्विभाषिक कोशों का जो है उपलब्ध कराया जाए। अंग्रेज़ी, जापानी, चीनी, हिंदी, रूसी, इन भाषाओं में तो द्विभाषिक कोश जो हैं उपलब्ध हैं और इन पर और अधिक काम भी चल रहे हैं, किंतु अन्य भाषाओं में वैसी स्थिति नहीं है कि हम अच्छा कंप्यूटर अनुवाद प्रणाली को विकसित कर सकें। इसके साथ एक ये प्रमुख समस्या भी रहती है कंप्यूटर अनुवाद को लेकर कि पर्याय का चयन कैसे किया जाए। मनुष्य अपने व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार जो है शब्दों के पर्यायों का चयन कर लेता है, किंतु कंप्यूटर में ये दिक्कत आती है। उदाहरण के लिए सेंटेंस शब्द को ही लिया जाए, सेंटेंस जो है वाक्य शब्द का भी द्योतक है, और इसके साथ साथ जब यह है लिफ्ट या रिमूव क्रिया के संदर्भ में इस्तेमाल में आता है
तो वहाँ पर ये प्रतिबंध अर्थ को भी व्यक्त करता है। जैसे एक वाक्य है, USA has lifted sanction against India। अब यहाँ पर जो है सैंक्शन शब्द जो है स्वीकृति या मंजूरी ना होकर इसके स्थान पर प्रतिबंध है। तो पर्याय चयन की समस्या के साथ हम और अगर देखें तो हमारी अगली समस्या आती है विभिन्न भाषाओं का व्याकरणिक वैविध्य। व्याकरणिक वैविध्य भी मशीनी अनुवाद में समस्या का कारण बन जाता है, और इसके साथ तकनीकी दृष्टि से देखें तो अंतरण कोश का क्रम व्यवस्थित ना होना भी कंप्यूटर अनुवाद की सिस्टम में दिक्कत पैदा करता है। और इससे आगे है संक्षिप्ताक्षरों के अनुवाद की समस्या। संक्षिप्ताक्षर अर्थात एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस दो संदर्भों में शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, एक है सीमित संदर्भ और दूसरा व्यापक संदर्भ। सीमित संदर्भ में यह है कि इनिशियल्स हर अल्फाबेट का जो फर्स्ट लेटर लेते हुए जो संक्षिप्त अक्षर बनाया जाता है वो है, जबकि व्यापक अर्थ में देखें तो इसके और भी कई आयाम हैं, चाहे वो ब्लेंडेड वर्ड हो या और कुछ भी। मानव अनुवादक जो है संक्षिप्ताक्षरों को समझ लेता है क्योंकि उसे अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर पता होता है कि एब्रीवेशंस का फुल फॉर्म क्या है, और उसके अनुसार वह अनुवाद करते समय संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देगा या उसकी व्याख्या करेगा। किंतु कंप्यूटर ने यह कार्य अपने आप करना है, इस वजह से उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कंप्यूटर अनुवाद प्रणालियां विकसित करने में भाषाई स्तर पर देखें तो मुहावरे और लोकोक्तियों की भी समस्या सामने आती है। मुहावरे और लोकोक्तियां किसी भी भाषा के वे लोक तत्व हैं जो उसकी संस्कृति के अभिन्न अंग होते हैं। भाषा की संस्कृति के ये पक्ष सांस्कृतिक तत्वों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कंप्यूटर अनुवाद को सांस्कृतिक संदर्भों से युक्त करना भी एक कठिनाई का काम रहता है। वहीं उच्चारण की भी समस्या है कि शब्दों का उच्चारण किस तरह से किया जाए, और उसी उच्चारण की समस्या को अनुभव करते हुए ही कंप्यूटर अनुवाद में लिप्यंतरण जैसी समस्या भी सामने आती है, और स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच जैसे उपयोगों में भी अनुवाद कर में हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। उच्चारण की समस्या के साथ साथ जो है अगली समस्या के रूप में हम बात करते हैं वर्तनी की समस्या। वर्तनी की समस्या खास तौर पर हिंदी में हमें नज़र आती है। उसका कारण ये है कि वर्तनी के स्तर पर हमें कहीं कहीं एक रूपता का अभाव नज़र आता है। जैसे हम संबंध शब्द की ही बात करें तो अलग अलग तरीके से इसको लिखने की प्रकृति लोगों में है। और सबसे ज़्यादा जो प्रमुख समस्या हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न विषय विशेषज्ञों के सक्रिय सहयोग की कंप्यूटर अनुवाद में सबसे अधिक हमें आवश्यकता होती है, तभी अच्छी और बेहतर कंप्यूटर अनुवाद प्रणालियाँ विकसित की जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर अनुवाद और इंटरनेट को लेकर। इंटरनेट कंप्यूटर अनुवाद का एक बहुत अच्छा और सार्थक जरिया सिद्ध हो रहा है। इंटरनेट एक ऐसे व्यवस्था है जो जिसे हम ये कहेंगे विश्व जाल ऐसा है जिसमें कहीं पर बैठे हुए कहीं भी कोई भी कभी भी आप उसको व्यवहार में ला सकते हैं। उसके लिए सिर्फ जो मुख्य रूप से आवश्यकता होती है वह है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जैसी सुविधा हो, कंप्यूटर उपलब्ध हो, तभी बात बन पाती है। कंप्यूटर अनुवाद जो है आज ऑनलाइन अनुवाद का जरिया बन चुका है। इसके साथ साथ वह अनुवाद उपकरणों की जानकारी उपलब्ध कराने का साधन सिद्ध हो रहा है। कंप्यूटर अनुवाद करते समय हमें लिप्यंतरण का कार्य भी करना पड़ता है, और इंटरनेट पर लिप्यंतरण कार्य में भी संभावनाएं हैं, और इसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए लिप्यंतरण कार्य को आराम से कर सकते हैं।
यही कारण है कि आज इंटरनेट अनुवादकों और आशु अनुवादकों का प्रभावी मंच सिद्ध हो रहा है। इंटरनेट हमें अनुवादकों के संबंध में, आशु अनुवादकों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है, उनकी समस्याओं को आपस में जो है आदान प्रदान करने में, उनके शेयर करने में हमें सार्थक भूमिका निभा रहा है। इंटरनेट उच्चारण लहजे से संबंधी सहायता भी करता है। इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जिनमें आप विजिट करेंगे तो आपको शब्दों के उच्चारण का लहजा पता चलेगा कि कैसे उच्चारण करना होता है। एक अन्य पक्ष ये भी है कि इंटरनेट पर आपको हास्यास्पद अनुवाद के भी उदाहरण मिल जाते हैं कि कैसे अनुवाद उपलब्ध है। इंटरनेट भाषा शब्दकोश उपलब्ध कराने का भी स्रोत है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि MAHT यानी मशीन असिस्टेड ह्यूमन ट्रांसलेशन जब करना हो तो इंटरनेट के रूप में जो है हमें जो सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर आप भाषा संबंधी शब्दकोश वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो सोर्स लैंग्वेज के शब्द को डालेंगे तो उसके बाद आपको टारगेट लैंग्वेज का जो है शब्द इक्वलेंट उसका समतुल्य उपलब्ध हो जाता है। और इसके पक्षों की तरफ हम जाएं तो हमें स्रोत भाषाओं संबंधी निःशुल्क सॉफ्टवेयर का भी जो है संपर्क स्रोत हमें मिलता है इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि कम इंटरनेट पर हमें भाषाओं संबंधी उन सॉफ्टवेयरों की जानकारी भी उपलब्ध हो जाती है और उन सॉफ्टवेयरों तक हम इंटरनेट पर पहुंच सकते हैं जिन जो हमें निःशुल्क उपलब्ध है। इसके साथ ही कंप्यूटर अनुवाद और इंटरनेट में हम देखते हैं कि अपभाषा और बोलचाल की भाषा के सॉफ्टवेयरों की जानकारी जो है वो भी उपलब्ध हो जाती है। अपभाषा अर्थात स्लैंग और बोलचाल की भाषा, स्लैंग भाषा जो है हमारे साहित्य का अंग बनी रहती है। उसका कारण ये है कि भाषा सिर्फ मानक रूप वाली ही नहीं होती है, उसमें हमारे बोलचाल में ऐसे भी शब्द आ जाते हैं जो अपभाषा का रूप लिए हुए होते हैं। और हम देखें तो इंटरनेट हमें वाक पहचान और उच्चारण संश्लेषण अर्थात वॉइस रिकॉग्निशन और स्पीच सिंथेसिस की सेवाएं भी उपलब्ध कराने का जो है साधन सिद्ध होता है। और इंटरनेट के जरिए भाषा पहचान प्रणालियों तक भी पहुंचा जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि इंटरनेट हमें जहां ये डायमेंशन उपलब्ध करा रहा है उसके साथ ही एक मुख्य है आयाम जिसे हम ये कह सकते हैं कि वर्ड की जो एटमोलॉजी का रिसोर्सेज है अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उन किसी विशेष शब्द की जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर अनुवाद करते समय अनुवादक शब्द विशेष के बारे में जानना चाहता है कि उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, तो इंटरनेट पर इस तरह की भी वेबसाइट्स उपलब्ध हैं जहां पर आप शब्द के व्युत्पत्ति मूलक स्रोत को जो है जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में कंप्यूटर अनुवाद के विकास को लेकर। भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर अनुवाद जो है इस पर बात करते समय सबसे पहले तो यही देखना होगा कि कंप्यूटर जो है 1980 के बाद से ही शुरू हुआ ज़्यादा जिसे कहा जाए, और 1969 में सरकारी स्तर पर कंप्यूटर अनुवाद को जो है प्रोत्साहन देने की शुरुआत हुई और यह कार्य भारत सरकार के तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणालियों की भाषा परक समस्याएं अर्थात लिंग्विस्टिक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के रूप में हमें नजर आती है। शुरुआती प्रयासों के रूप में हम देखते हैं कि केसी चेल्लामुत्तु ने रूसी तमिल मशीनी अनुवाद तंत्र का विकास किया था और इसके साथ ही एक अन्य प्रयास जो किया गया था वो था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में आर चंद्रशेखर ने। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को अब जो है नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, किंतु कतिपय कारणों से
ये दोनों प्रयास पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सके थे। और शुरुआती प्रयासों के रूप में हम बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और रूसी भाषा में सरल वाक्यों के अनुवाद के लिए विशेष मशीनी अनुवाद प्रणालियों के विकास को देखते हैं। यह कार्य प्रोफेसर पी सी गणेश सुंदरम के निर्देशन में शुरू हुआ था। इस प्रयास में अंग्रेजी से हिंदी में सरल पाठ का सीमित शब्दावली में अनुवाद कर पाना एक तरह का हम ये कहेंगे सफल प्रयोग रहा था। ये शुरुआती प्रयास रहे। अब मैं आपसे कुछ उन प्रयासों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमें अलग अलग नामों से मशीनी अनुवाद तंत्रों के रूप में उपलब्ध हैं। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं अनुसारक की। अनुसारक अनुवाद तंत्र जो है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में 1978 में प्रोफेसर राजीव संगल और विनीत चैतन्य के निर्देशन में एक परियोजना के रूप में शुरू हुआ था। बाद में इस परियोजना को हैदराबाद विश्वविद्यालय और आईआईटी हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह अनुवाद तंत्र तेलुगु हिंदी, कन्नड़ हिंदी, बांग्ला हिंदी, मराठी हिंदी और पंजाबी हिंदी आदि भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की दृष्टि से सार्थक सिद्ध हुआ है। अगर आप इस अनुवाद तंत्र के बारे में और इसे प्रयोग करने के लिए जो है देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप anusarika.iit.ac.in लिंक पर जो है इस सिस्टम को देख सकते हैं और इसे प्रयोग कर सकते हैं। अनुसारका के अलावा आंगल भारती और अनुभारती प्रौद्योगिकी की चर्चा की जाती है। आंगल भारती और अनुभारती प्रौद्योगिकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में 1951 में प्रोफेसर आरएमके सिन्हा के निर्देशन में अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए मशीनी अनुवाद तंत्र परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। बाद में इसमें एक और परियोजना जुड़ी जो 1995 में शुरू हुई थी। शुरू में आंगल भारती में नियम आधारित प्रणाली यानी रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम को अपनाया गया था और बाद में इसे परिवर्तित करके उदाहरण आधारित प्रणाली के रूप में व्यवहार में लाना शुरू किया। उदाहरण आधारित प्रणाली जो है एग्जाम्पल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन अप्रोच है। आंगल भारती और अनुभारती प्रौद्योगिकी के रूप में हम देखें तो इस मिशन में 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तंत्र विकसित करने के लिए 8 संगठनों या विश्वविद्यालयों को काम सौंपा गया था। ये 12 भाषाएं हैं मराठी, कोंकणी, असमिया, उड़िया, बांग्ला, उर्दू, सिंधी, कश्मीरी, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत और मणिपुरी। आंगल भारती के अलावा अगला एक अनुवाद तंत्र है जो मुख्य रूप से इस्तेमाल में लाया भी जा रहा है वे है मंत्र राजभाषा। मंत्र राजभाषा शब्द जो है MANTRA अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी लिप्यंतरित रूप है और ये अपने आप में एक एब्रिवेशन है मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन की, जिसमें MA कैपिटल है और मशीन के एन शब्द को लिया गया है और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन का TRA लेते हुए शब्द बनाया गया मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन मंत्र राजभाषा। यह अनुवाद तंत्र जो है प्रगत संगणक विकास केंद्र यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC पुणे के अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा 1999 में विकसित किया गया था। ये अनुवाद तंत्र डोमेन स्पेसिफिक है, व्यवहार में जो लाया जा रहा है क्षेत्रवार है और उस दृष्टि से देखें तो वित्त, कृषि,
स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशासन के सामान्य कामकाज जैसे व्यवहार क्षेत्रों में अंग्रेजी हिंदी अनुवाद करने में इसको प्रयोग किया जा रहा है। सामान्य कामकाज जो प्रशासन का है उसमें कार्यालय ज्ञापन, आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रारूपण आदि की चर्चा की जा सकती है। मंत्र राजभाषा, हमें मंत्र राजभाषा स्टैंड अलोन, मंत्र राजभाषा इंट्रानेट और मंत्र राजभाषा इंटरनेट संस्करणों के रूप में उपलब्ध है। अगर हम इसे वेबसाइट पर देखना चाहें तो यह मंत्र राजभाषा rbac.in या मंत्र राजभाषा लिंक पर उपलब्ध है। मंत्र राजभाषा सिस्टम को जब इस्तेमाल में लाना होता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास जो है कंप्यूटर में P4 उपलब्ध होना चाहिए, उसमें गीगाहर्ट्ज़ हो, विंडो 2000 हो, स्कैनर हो और MS SQL Server 7 होना चाहिए और इसके साथ ही आपके कंप्यूटर में फॉन्ट के रूप में DVB TT योगेश EN फॉन्ट उपलब्ध होना चाहिए, तब ये सॉफ्टवेयर काम करने की स्थिति में आ पाता है। अगले सॉफ्टवेयर के रूप में हम जो बात करना चाहेंगे वे है मात्रा। मात्रा अर्थात मशीन एडिड ट्रांसलेशन। ये भी मात्रा शब्द जो है अपने आप में संक्षिप्ताक्षर है, एब्रीवेशन है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे कि मंत्र राजभाषा की तरह इसको भी जो एब्रीवेशन का जो रूप दिया गया है एक अलग प्रकार से है। जैसे MA ले लिया मशीन से और इसके बाद ट्रांसलेशन का TRA लिया और T और M को कैपिटल रखते हैं। मात्रा सॉफ्टवेयर जो है राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मुंबई द्वारा विकसित किया गया। बाद में इसे CDEC मुंबई को स्थानांतरित कर दिया गया था। मात्रा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से समाचारों, वार्षिक रिपोर्टों तथा तकनीकी वाक्यांशों रूपी क्षेत्र आधारित अंग्रेजी हिंदी अनुवाद प्रणाली पर वाला है। मात्रा सॉफ्टवेयर या अनुवाद तंत्र कहें ऑनलाइन अनुवाद के लिए भी उपलब्ध है और इसके लिए cdecmumbai.in/matra लिंक पर अगर आप जाएंगे तो आपको मात्रा मशीनी अनुवाद तंत्र उपलब्ध हो जाएगा। शिवा और शक्ति, ये भी दो अनुवाद तंत्र उपलब्ध हैं। शिवा और शक्ति ये दो हैं, इनमें से पहला शिवा मशीनी अनुवाद तंत्र अंग्रेजी हिंदी अनुवाद करने वाली उदाहरण आधारित मशीनी अनुवाद प्रणाली है। उदाहरण आधारित अर्थात एग्जाम्पल बेस्ड। इसके साथ साथ शक्ति अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी मराठी और अंग्रेजी तेलुगु अनुवाद करने वाली सांख्यिकीय दृष्टिकोण आधारित मशीनी अनुवाद प्रणाली है। यानी शक्ति सॉफ्टवेयर जो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच के आधार पर तैयार की गई मशीनी अनुवाद प्रणाली है। इन दोनों मशीनी अनुवाद तंत्रों का विकास हैदराबाद में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT हैदराबाद जिसे हम बोलते हैं और अमेरिका के कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय तथा बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इन तीनों संस्थानों ने मिलकर ये दोनों सॉफ्टवेयर प्रणालियां विकसित की हैं। इन प्रणालियों पर अनुवाद करने के लिए आपको ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए shakti.IIIT.ac.in लिंक पर आपको इंटरनेट पर जाना होगा और फिर आप शिवा और शक्ति अनुवाद सॉफ्टवेयर को की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब तक जो अनुवाद सॉफ्टवेयरों की बात की गई वे सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों के रूप में मिलते हैं, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर कंप्यूटर अनुवाद प्रणाली के विकास का प्रमाण है अनुवादक सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर नई दिल्ली स्थित सुपर टेक सॉफ्ट टेक एंड हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया।
प्रशासन, बैंकिंग, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों की अंग्रेजी हिंदी शब्दावली और पदबंधीय कोश का इस सॉफ्टवेयर में समावेश है और यह सॉफ्टवेयर सामान्य प्रयोजन के सरल हिंदी अनुवाद की दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध हो रहा है। इसमें एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में भी है, नए शब्द जोड़ने हो या उनमें बदलना हो और इसके साथ साथ शब्दों में संशोधन या पश्च संपादन जैसा अगर कार्य करना हो तो आप वह भी कर पाते हैं। मंत्रराज भाषा जैसे सॉफ्टवेयरों में भी या अन्य अब तक जिन सॉफ्टवेयरों की चर्चा की गई उनमें भी इस तरह की कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन प्रयासों के अलावा और भी कई ऐसे प्रयास हैं हमें नज़र आते हैं जो अलग अलग सॉफ्टवेयरों के अलग अलग नामों के अलग अलग संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए हैं। इनमें हम बात करेंगे सबसे पहले गूगल अनुवाद की अर्थात गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट इंटरनेट पर भी आपको उपलब्ध है, जस्ट आप उस साइट को विज़िट कीजिए तो आप गूगल अनुवाद कर सकते हैं। इसके साथ ही बिग अनुवादक, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग अनुवादक माइक्रोसॉफ्ट बिंग ट्रांसलेटर के नाम से है, और याहू बाबेल फिश ये भी अनुवाद तंत्र उपलब्ध है, और UNL आधारित मशीनी अनुवाद तंत्र भी विकसित हो चुका है, यानी यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज UNL। UNL IIT मुंबई का प्रयास रहा है। इसके साथ ही जादवपुर विश्वविद्यालय ने एक अनुवाद तंत्र का विकास किया है, ये भी उपलब्ध है, और क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में हम बात करें तो असमिया मशीनी अनुवाद तंत्र, उड़िया मशीनी अनुवाद तंत्र, पंजाबी हिंदी मशीनी अनुवाद तंत्र और तमिल हिंदी मशीनी अनुवाद तंत्र आदि कई सॉफ्टवेयर हमें उपलब्ध हैं। इसके अलावा और भी मशीनी अनुवाद तंत्र उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन आप इसे ये कह सकते हैं कि मेरी सीमित जानकारी है, इस वजह से मैं इसमें और अधिक जो है बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मशीनी अनुवाद तंत्र का विकास का हमें एक और आयाम भी नज़र आता है, ये है आयाम है वाक्य संभव अनुवाद प्रणाली। वाक्य संभव अनुवाद प्रणाली अर्थात वॉइस इनेबल्ड ट्रांसलेशन सिस्टम। वॉइस इनेबल्ड ट्रांसलेशन सिस्टम जो है हमारे यहाँ पर अंग्रेजी हिंदी के संदर्भ में तैयार हो चुका है, और इस तंत्र को हम वाचांतर राजभाषा के नाम से जानते हैं। वाचांतर राजभाषा अर्थात वाक का अंतरण करना राजभाषा में, आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। यह अनुवाद प्रणाली मौखिक पाठ का कंप्यूटर अनुवाद है, लेकिन इस अनुवाद प्रणाली का जो है मुख्य पक्ष ये है कि ये अपने आप में 2-in-1 सॉफ्टवेयर है, अर्थात इसमें 2 डायमेंशंस में जो है काम होता है। पहला है वाक से पाठ अर्थात हम किसी भी टेक्स्ट को बोलकर स्पीच टू टेक्स्ट जो है इसका अनुप्रयोग करेंगे, और इसमें श्रुत लेखन राजभाषा नाम का सॉफ्टवेयर सहायक सिद्ध होता है। यह सॉफ्टवेयर अंग्रेजी पाठ का अपने आप जो है शब्द संसाधन करता है, अर्थात अंग्रेजी में बोले गए वाक्यों को एक तरह से कहेगा कि खुद ही वर्ड प्रोसेसिंग करता है, और वर्ड प्रोसेसिंग करके आपके सामने स्क्रीन पर उसे दिखा देता है। जब आपको स्क्रीन पर उसे दिखा देगा तो उसमें अगर थोड़ी बहुत संशोधन की आवश्यकता हो तो वह की गई, तो वह हमें अगले चरण की तरफ ले जाने में सहायक सिद्ध होता है, और शब्द संसाधित जो हो चुके हैं वो इनपुट का काम करेंगे स्पीच टू टेक्स्ट का, और इसके साथ ही फिर वह सॉफ्टवेयर मंत्र राजभाषा से जुड़ जाता है, और जो वाक से पाठ श्रुत लेखन राजभाषा के रूप में हमें इनपुट मिला है उससे वो मंत्र राजभाषा मशीनी अनुवाद तंत्र की सहायता से कंप्यूटर अनुवाद करने के में सार्थक सिद्ध हो पाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मशीनी अनुवाद तंत्र में जो है
जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के मशीनी अनुवाद तंत्र मिल रहे हैं, उसके साथ ही आपको हम ये कह सकते हैं कि 2-in-1 सॉफ्टवेयर सुविधाएं जैसे भी वाचांतर राजभाषा और श्रुत उपलब्ध है। वाचांतर राजभाषा जो है श्रुत लेखन राजभाषा और इसके साथ ही मंत्र राजभाषा के संयुक्त प्रयास से संभव हो पाता है। भारत में जहां हमने ये देखा कि काफ़ी मुख्य रूप से अंग्रेजी से हिंदी और इसके साथ साथ अन्य भाषाओं के संदर्भ में भी सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके हैं, इन प्रयासों से ये निकल कर आ रहा है कि अनुवादक की क्या भूमिका रह गई, क्या अनुवादक का अस्तित्व बना रहेगा या कंप्यूटर अनुवाद की अगर सफलता हो अपने आप में पूरी जब हो जाती है, पूरी तरह से अच्छे बेहतर क्वालिटी के जो हैं सॉफ्टवेयर तैयार हो जाते हैं तो क्या अनुवादक की आवश्यकता नहीं रहेगी? ऐसी बात नहीं है, अनुवादक की आवश्यकता पहले भी थी, अब भी है और भविष्य में बनी रहेगी। जिन दिनों कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारत में शुरू हुआ था तो शुरू में यह आशंका व्यक्त की गई थी कि कंप्यूटर जो है मानव श्रम को ख़त्म कर देगा, इससे बेरोजगारी की स्थिति बनेगी, पर समय के साथ साथ ये मिथ टूट चुका है और अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि नए नए तरह के पद जो हैं विकसित हुए हैं, पदों पर काम मिल रहा है और ये आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है और इसमें रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। उसी तरह से कंप्यूटर अनुवाद की जब प्रणाली यहाँ विकसित होनी शुरू हुई तो अनुवादकों के संदर्भ में भी यह समस्या या यह मिथ बन गया था कि क्या अनुवादक रहेंगे या नहीं, या अनुवादक भी खाली हो जाएंगे। एक तो ये पक्ष रहा, दूसरा पक्ष ये रहा था कि अनुवादकों में भी कंप्यूटर अनुवाद को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण रहे। इन दृष्टिकोणों को हम ये कह सकते हैं कि कुछ अनुवादक जो है नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाए हुए थे, अर्थात वो ये देखकर चल रहे थे कि अनुवादक जो है भविष्य में काम नहीं कर पाएंगे और बेहतर अनुवाद जो है नहीं है। किंतु ऐसे भी अनुवादक रहे जिन्होंने इस प्रौद्योगिकी के प्रति, इस प्रौद्योगिकी और अनुवाद प्रणालियों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया और उसका नतीजा ये रहा कि कंप्यूटर अनुवाद प्रणालियां विकसित करने में और अधिक सक्रिय सहयोग मिला। कंप्यूटर अनुवाद प्रणालियां विकसित करने का काम अकेले कंप्यूटर तकनीकी विदों पर नहीं हो सकता, इसके लिए जहां अनुवादकों के सहयोग की भी अपेक्षा है उसके साथ साथ भाषा विज्ञानियों का सहयोग भी आवश्यक है। जब भाषा विज्ञानी, तकनीकीविद और अनुवादक जैसे व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो अनुवाद प्रणालियां बेहतर क्वालिटी की विकसित हो पाएंगी और अच्छा अनुवाद संभव हो पाएगा। कंप्यूटर अनुवाद प्रणालियों के विकास का ही आज नतीजा ये है कि हमें अनुवादक भी कई तरह के जो हैं अब मिल रहे हैं। इन्हें हम ये कह सकते हैं कि समूह में काम करने योग्य वाले पेशेवर अनुवादक, अर्थात वे प्रोफेशनल अनुवादक जो ग्रुप में काम कर रहे हैं और वर्क स्टेशन के जरिए जो है अनुवाद कार्य कर रहे होते हैं। इसके अलावा पेशेवर स्वतंत्र अनुवादक भी उपलब्ध है जो जिन्होंने अनुवाद कार्य को अपना स्वतंत्र रोजगार का जरिया बना रखा है और इस काम में कंप्यूटर अनुवाद की सहायता ले रहे हैं, और इसके साथ साथ ओकेजनली ट्रांसलेशन करने वाले गैर पेशेवर अनुवादक भी अनुवाद कार्य की दिशा में जुड़े हुए हैं। आज स्थिति ये हो चुकी है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में हम देखें तो कंप्यूटर अनुवाद, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी को बहुत अधिक आवश्यकता है अनुवाद से जोड़ने की, तकनीकी से जोड़ने की, भाषा से जोड़ने की। अगर हम बहुत बड़े प्रयोक्ता वर्ग की भाषा को अपनी प्रौद्योगिकी से जोड़ेंगे तो उसका हमें ये फायदा रहेगा कि प्रौद्योगिकी साधनों और सॉफ्टवेयरों आदि जो है नए नए विकास
हो सकेंगे। जैसे हम देखें वाचांतर राजभाषा जैसी सुविधा भी उपलब्ध हो पाई है, जहाँ पर वाक् से पाठ और पाठ से जो है अनुवाद, अर्थात इसमें अनुवादक को जो है या जो वक्ता है वक्ता को कुछ करना नहीं पड़ा, किंतु उसके पास स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद उपलब्ध हो गया। ऐसी भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और हम देखें तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि सूचना प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से कंप्यूटर सुविधाओं और कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा को हिंदी में उपलब्ध कराया जाए। हिंदी भाषा में अगर हम कंप्यूटर और कंप्यूटर शिक्षा देंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि जो हिंदी भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको एक तरह का प्रोत्साहन मिलेगा इस प्रौद्योगिकी से जुड़ने का, इस प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्य करने का। और देखें तो हमें सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर देश या अपने समाज को विकास का मानक बनाना है तो कंप्यूटर के क्षेत्र में हमें आगे आना होगा। कंप्यूटर अनुवाद के क्षेत्र में हमें आगे आकर एक ये कह सकते हैं कि अग्रणी भूमिका निभानी होगी, उससे हमारी भाषाओं का भी विकास होगा और अनुवाद कार्य भी बेहतर तरीके से संभव हो पाएगा। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से जुड़कर नहीं चलेंगे, यानी कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, तो हमें जो है पिछड़ने की स्थिति में आ जाएंगे और देश के समाज के जीवन व्यवहार के अंग के रूप में जो है हमें स्वीकार करने की स्थिति है, उससे वंचित रह जाएंगे। प्रौद्योगिकी को अगर अपनी भाषा से जोड़ेंगे तो हमें भाषा का सार्थक उपयोग कर पाना संभव हो पाता है। वास्तविकता यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में कंप्यूटर और मोबाइल जैसी सुविधाएं जो उपलब्ध हो रही हैं, इसकी व्यापकता ने ज्ञान को नए क्षितिज प्रदान कर दिए हैं और वैश्विक ज्ञान तक इसकी पहुंच को सुलभ बना दिया है। आज कंप्यूटर ज्ञान के विस्तार का आधार बन चुका है। इस ज्ञान भंडार में भाषा एक साधन के रूप में काम कर रही है। हालांकि भाषा के स्तर पर देखें तो हमें इंटरनेट जैसे जो है पक्ष पर जाएं, हमें तरह तरह के अंग्रेजी की ही वेबसाइट्स ज़्यादा नज़र आती हैं, हिंदी की उसके मुकाबले में कम। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हिंदी में भी पहले की तुलना में काफ़ी जो है विकास हो चुका है। और इसमें आप देखें तो कई वेबसाइट जो है आपको मिलेगी, हिंदी में सामग्री भी उपलब्ध हो रही है। इस प्रयास में जो है कंप्यूटर अनुवाद करने का भी माध्यम सिद्ध हो रहा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाषा में प्रौद्योगिकी को लाने में स्थिति जो है बड़ी सार्थक बन रही है। और यही कारण है कि हम कंप्यूटर अनुवाद के साथ साथ हम देखते हैं कि कंप्यूटर के जो है हमें भाषा शिक्षण में भी उपयोग में ला रहे हैं। भाषा शिक्षण अर्थात लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग में भी कंप्यूटर अनुवाद कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर भूमिका निभा रहा है और इसमें अनुवाद कंप्यूटर भी सार्थक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि भाषा शिक्षण भी अनुवाद के माध्यम से ही हो पाता है और भाषा शिक्षण के अन्य भी आयाम हैं, किंतु अनुवाद प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है। हिंदी में जो है लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण और लीला हिंदी प्राज्ञ जैसे कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही हमें टाइटलिंग सॉफ्टवेयर के रूप में भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। टाइटलिंग सॉफ्टवेयर लिप्स और सुलिपि की चर्चा की जाती है और मल्टीमीडिया भी सॉफ्टवेयर का कार्य कर रहे हैं और मल्टीमीडिया में हमें हिंदी में सुलिपि जैसे सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं और पाठ से वाक् अर्थात टेक्स्ट टू स्पीच। इस संदर्भ में देखें तो हमें हिंदवाणी जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं और हिंदी का डिक्टेशन सॉफ्टवेयर के रूप में भी उपलब्ध है। और स्पीच टू टेक्स्ट की बात हम और जैसे पहले कर चुके हैं, श्रुत लेखन राजभाषा है। इस तरह देखते हैं तो कंप्यूटर,
सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर अनुवाद हमारे लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है। और कंप्यूटर अनुवाद से अगर हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे, इसमें और अधिक विकास करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है हम जो समस्याओं की जो चर्चा की गई थी उन समस्याओं से भी निजात पा लेंगे, और उसके साथ साथ जो सीमाओं के रूप में भी हमें कंप्यूटर अनुवाद हमें दिक्कत पैदा करता है उन सीमाओं को भी पार कर पाना संभव होगा। तो आज हमने अपने इस व्याख्यान में मशीनी अनुवाद के विविध पक्षों की बातचीत की और भारत के संदर्भ में मशीनी अनुवाद में जो विकास हुआ है और भावी जो दिशाएं हैं उन पर बातचीत करते हुए चर्चा की गई है। मशीनी अनुवाद के विभिन्न क्षेत्र, समस्याएं, सीमाएं, ये हमें एक तरह के जो है ये कह सकते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ रहे हैं, और इन पक्षों से जुड़े रहकर ही हम भाषा का सार्थक प्रयोग करने की स्थिति में आ पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, आपने जिस तरीके से हिंदी अनुवाद के बारे में बताया और साथ ही साथ इसको कंप्यूटर अनुवाद से जोड़ा, ये काबिले तारीफ़ है, क्योंकि बदलते युग के साथ या हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी में जिस तरीके से एक बदलाव आया है उसमें अनुवाद की भूमिका, और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि भाषा कभी कभी क्लिष्ट होती है, तो क्या वो क्लिष्ट भाषा कंप्यूटर अनुवाद करते वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो क्या मुश्किल आती है या नहीं आती है? देखिए, कंप्यूटर अनुवाद में जो पार्सिंग की बात की जाती है, पार्सिंग के दौरान यानी जो सोर्स लैंग्वेज का टेक्स्ट जो है उसका वो विश्लेषण करने का काम करता है, तो क्लिष्ट भाषा जो है मशीनी अनुवाद में थोड़ी कठिनाई तो पैदा करता है, पर अनुवादक या मनुष्य की जो भूमिका वहाँ पर होती है वो अगर संपादन कार्य उसका कर दें तो भाषा में क्लिष्टता की संभावना जो है कम रह जाएगी। और एक मुख्य बात ये रहती है कि क्लिष्टता को लेकर कह दिया जाता है, और उसमें खास तौर पे पारिभाषिक शब्दावली को लेकर, पारिभाषिक शब्दावली जो है मैं तो यही कहूँगा कि इतनी क्लिष्ट नहीं है। जो शब्द व्यवहार में आ जाता है, चलन में आ जाता है, वह शब्द जो है सरल है, और जो चलन में ना आ पाए वो कठिन है या जिसे आप क्लिष्ट कह सकते हैं। जी, क्लिष्टता की बात अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में ले जाएं, जैसे कि हम आज की बात करें तो साइंस की दुनिया है, और शायद आम बातों को कहना बहुत ज़्यादा आसान होता है जब हम हिंदी अनुवाद की अगर बात कर रहे हैं, तो किसी भी आम बात का अनुवाद करना शायद आसान है, पर जहाँ पर हम साइंस की टर्मिनोलॉजी यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो खास तौर पर विज्ञान से संबंधित है, तो उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या वही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या फिर अनुवाद करते हुए उनको ध्यान में रखा जाता है? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विज्ञान प्रौद्योगिकी सहित किसी भी तरह के जो है पारिभाषिक शब्दावली वह प्रयोग करनी चाहिए जो CSTT ने निर्धारित की है। CSTT का मतलब है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से भी ये जो है निर्णय आ चुका है कुछ साल पहले ही कि CSTT ने जो शब्दावली निर्धारित की है उसी को व्यवहार में लाना होता है। CSTT की शब्दावली को कहीं आप मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कहीं आपको क्लिष्ट लग सकती है, पर मैंने जैसे कहा जितना सर आप व्यवहार में शब्द को लाएंगे तो शब्द जो है चलन में आएगा तो उसकी क्लिष्टता नहीं रहेगी। आज पर्यावरण शब्द देखिएगा, प्रदूषण शब्द देखिएगा, और मेट्रो के चलने की वजह से जो है विश्वविद्यालय जैसा शब्द जो है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेट्रो स्टेशन है वो विश्वविद्यालय शब्द इतना प्रचलित हो चुका है कि देशी विदेशी किसी भी व्यक्ति को मुश्किल नहीं लगता है। पर्यावरण शब्द, प्रदूषण जैसे शब्द, जनसंचार जैसा शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जब व्यवहार में आए तो क्लिष्टता जैसी बात नहीं रही। हाँ, ये जरूर है कि भाषा में जो है शब्द के स्तर पर हम देखते हैं तो तीन तरह के जो है आप ये कह सकते हैं शब्द शक्ति वाली होती है जी। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा अर्थात जो कुछ कहा गया उसका सीधा साधा अर्थ हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो साहित्य होता है या ज्ञान विज्ञान का साहित्य जो है अभिधा परक भाषा शक्ति शब्द शक्ति वाला ही होता है।
उसमें कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं होता, शब्दों में जो कुछ कहा गया उसका सीधा साधा अर्थ होता है। जी लेकिन साहित्य जैसा क्षेत्र है उसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति की भाषा को प्रयोग में लाया जाता है, जहाँ पर आपको अर्थ संदर्भ जो है देखने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें शब्दों के बीच में अर्थ और अर्थ अर्थ के साथ साथ कल्पना की उड़ान जैसे जो है काफी पक्ष होते हैं जिसे आपको समझना होता है। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ पर भावात्मक या भावनात्मक विषय होते हैं, कहीं ना कहीं जी वहाँ पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करके जो है एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको प्रश्न भी पूछा था कि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो ऐसे विषयों में क्या, जैसे अगर मैंने बात करी, अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, विज्ञान का स्टूडेंट है, जहाँ पर कॉस थीटा का अर्थ कॉस थीटा ही होगा, चाहे उसे अंग्रेजी में बोला जाए या हिंदी में बोला जाए, तो क्या ऐसे में रूपरेखा बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए उसके साथ, सामग्री की रूप। अगर हम सामग्रिक रूपरेखा की अगर बात हाँ, करें? देखिए जो जिस तरह का आपने उदाहरण दिया ये शब्द के स्तर का उदाहरण है, और पारिभाषिक शब्दावली में भी जो है चार दृष्टिकोण रहे हैं कि एक तरह से आप उसे ये कहेंगे कि आदानवादी, जो अंग्रेजी के शब्द को या दूसरी भाषा के शब्द को यथावत ले लेना जो है। आज आप देखिए आईटी के आने की वजह से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम, माउस जैसे शब्द आ गए, जी लेकिन इससे पहले भी आप देखें तो यौगिक तत्व जैसे शब्द हैं, किलोमीटर, लीटर, इस तरह के जितने शब्द हैं ये दूसरी भाषाओं से आए हुए, विशेष रूप से अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं जिन्हें एज इट इज ले लिया गया है। इसके अलावा ये भी प्रवृत्ति रहती है कि शब्दों को गढ़ा जाता है अपनी भाषा के शब्द निर्माण के आधार पर जो है। जी और फिर एक और टेक्निक है जिसे ये कहेंगे हम एडाप्टेशन की, एडाप्टेशन यानी अनुकूलन कर लेने की, अपनी भाषा के अनुसार ढालने की। और एक अन्य तकनीक है शब्दानुवाद करने की, लिटरल ट्रांसलेशन, जैसे येलो जर्नलिज्म का पीत पत्रकारिता शब्द बना लिया गया। तो शब्दों के साथ आप ये कह सकते हैं कि अलग-अलग तरीके से अपनाना होगा जी उनको, और इसमें CST की भूमिका काफ़ी अच्छी रही है, और हम सबको भी उसी के जो है निर्धारित शब्दावली का ही प्रयोग करना चाहिए। जी चेरी साहब, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा कम है और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जैसे अब कहा अडाप्टेशन, कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में वो पावर है, उसमें वो शक्ति है कि वो अन्य सभी भाषाओं को अपने समाहित कर ले, उसे अपने में मिला हाँ जुला ले। बिल्कुल, जो है अगर ये शक्ति ना हो तो भाषा जो है एक तरह से ये उसका विकास रुक जाएगा। भाषा जो है, तभी ये कहा जाता है, कबीर ने भी कहा था कि भाषा बहता नीर है। जी तो अनुकूलन जैसा जो शब्द जो है यानी एडाप्टेशन अर्थात अपनी भाषा के अनुसार ढालना, सेंट शब्द का जैसे संत बना देना, ये अनुकूलन है। तो भाषाई परिप्रेक्ष्य काफी वो है, और शब्दों का भंडार तभी विकसित हो पाएगा जब इस तरह के ही प्रयास चलते रहने चाहिए। जी इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी करेंगे, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और जितने भी छात्र छात्राएं इस वक्त हमें देख रहे थे, उम्मीद करती हूँ कि आगे भी निरंतर आप हमें देखते रहेंगे। और अगर इस लेक्चर को आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर इस लेक्चर को देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं info.cc@nic.in पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।